अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स का के साथ होंगे जी और आज आप मेरे साथ इस लेक्चर में देखेंगे जी पाकिस्तान का हम लोगों ने कंटिन्यू करना है टॉपिक जी अपना प्रीवियस टॉपिक से हमने लास्ट पे बात की थी जी पाकिस्तान के सियाती मुकाम की तीन हूसों में जो डिवीजन हुई थी उनकी तो वहां से कॉन्टिन्यू करेंगे पेज नंबर नाइनटी सिक्स से और आज देखेंगे पाकिस्तान के, के शोबा सियाहत के हवाले से बैन अल्कवामी त्या है और गैर मुल्की माहरीन और मुबसरीन इस बात पर मुतफ़ हैं कि ये सियाती मकाम से पाकिस्तान को सफ़े अवल की सरगाह बनाने की सलाहित रखते हैं दो हजार दस में मरूफ सियाती मैगजीन लॉनली प्लान ने पाकिस्तान को सियात के हवाले से एक बड़ी चीज का खताब दिया दो हजार के फरूफ के लिए खदमी जगह दो हजार उन्नीस में अमरीका की एक मैगजीन फोरबे ने पाकिस्तान को सैर के लिए बेहतरीन जगह करार दिया दो हजार बीस में अमेरिकन मैगजीन कॉन्सोल नास्ट्रावल ने पाकिस्तान को छुट्टियां गुजारने के लिए सबसे बेहतरीन जगह करार दिया यानी के सब ने जो है वो सारे मैगजीन्स ने सारे जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्रीज वगैरह जितने उनके प्लान वगैरह हैं उनके मैगजीन्स हैं जो भी उनका टूरिज्म वगैरह की सारा सेटअप है सेक्टर्स हैं उस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को अच्छे टाइटल्स से जो है वो पुकारा है उसको एक अच्छा नाम दिया है तो इंटरनेशनली हमारे पास, पास पाकिस्तान की टूरिज्म सेक्टर पे बहुत अच्छे रिव्यूज आते हैं फोर्थ है जी आपके पास पाकिस्तान के शोब की कारकर्दगी पाकिस्तान टूरिज्म सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है क्या कहते हैं जी बेपनाह जाहिर रखने के बावजूद पाकिस्तान में शोब सियाहत अभी तक खातिर खबाह कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा है शोब सियाह दुनिया की मीशत में सालाना औसतन तकरीबन दस फीसद तक हिस्सा डालता है तो ये कितना ही आपके पास हम सी क्यों के शोबा सियाह दुनिया की, की मयशत में सालाना कितना हिस्सा डालता है जी तकरीबन दस फीसद लेकिन पाकिस्तान में इसका हिस्सा महज दो से तीन फीसद चलाना है और पाकिस्तान में कितना है सिर्फ दो से तीन परसेंट इसका हमारे पास शेयर होता है शोबे सियाहत की पसमानदगी की एक बड़ी वजह यहाँ बैन सियाहों का कम आना है वर्ल्ड एटलास के मुताबिक दो हजार अठारह में बैन अलावी सियाहों का सबसे बड़ा मरकज फ्रांस रहा जहाँ एक साल में एटी नाइन मिलियन बैन अलावी सिया आए दूसरे नंबर पर स्पेन 83 मिलियन तीसरे नंबर पर अमेरिका 80 मिलियन चौथे नंबर पर चीन 63 मिलियन पांचवें इटली 62 मिलियन और छठे नंबर पर तुर्की 46 मिलियन रहे पाकिस्तान में बैन अलावाह दो मिलियन से भी काम आते हैं यह आपके पास एमसी क्यू कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो है वो बैन अलावा तकरीबन कितने आते हैं दो मिलियन से भी काम लेस देन टू मिलियन पाकिस्तान में, हाँ, पाकिस्तान में बैन अवी की तदाद कम होने की वजूहत में अमन और की कम तशहर प्रोजेक्शन और सियाती बुनियादी सहूलतों की कमी वगैरह शामिल है यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि कच्चा पाकिस्तान में बैन अवी सियाद में आते हैं लेकिन पाकिस्तान सियाहों की तदाद हर लिहाज से बख्श है दो हजार उन्नीस उन्नीस में पाकिस्तान में पाकिस्तानी सियाहों की तदाद पचास मिलियन के लाख थी तो ये आपके पास क्यों आ सकता है कि 2019 में पाकिस्तान की पाकिस्तानी सियाहों की तादाद कितनी थी जी पचास मिलियन फिफ्थ पॉइंट है जी सियाहत को फोक देने के लिए हकूमती इकदाम के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कौन से स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं और ये आपके पास जी शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको आपने मार्क कर लेना है और क्या कहते हैं ने सियात की अहमियत का मकमल करते हुए पॉलिसी में वाजिया तब्दीली की है तेज बनाने के साथ साथ बहुत से ममालिकोर्ट पर वीजा की सहूलत का अजरा किया है पाकिस्तान ने सूबाई की सरपरस्ती में महकमा सियाहत को मजबूत करने के साथ साथ वफाक की सतह पर एक अदारा नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड तश्कील दिया है इस अदारे तो का मकसद वफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुक को मजबूत बनाना है ने बहुत से ममालिकस्तान ताजिकिस्तान, नेपाल और तुर्की वगैरह शामिल हैं मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत करती हैं। इन याददाश्तों में इस आजम का अदा किया गया है कि ये ममालिकात के फ्रोक के लिए मुश्तरक कोशिशें करेंगे वफाकी ने निजी शोबे की हौसला अफजाई के लिए बहुत से इकदाम किए हैं मुल्क भर में सरकारी गेस्ट हाउसों को एक मनजिम तरीके से निजी शोबे के हवाले किया जा रहा है निजी शोबे की हरकत में आने से सियाती सरगर्मियों में खातिर हुआ इजाफा हो रहा है हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें नए सियाती मुकाम को होने के लिए मुसर इकदाम कर रही हैं सूबा खैबर पख्त कमराट वादी और पंजाब में कोटली सतिया और चकवाल में किए जाने वाले इकदाम इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं सियाती सहूलियात की फरमीमी के लिए वफाक और सूबाई बजट में सियाहत के लिए इजाफी फंड की फ्राहमी को यकीनी बनाया गया शुभा सहत की तरक्की के लिए बाकायदा मनसूबा बंदी की गई सुबह पंजाब की सियाती पॉलिसी दो हजार उन्नीस इसी सिलसिले में एक कड़ी है सियात के हवाले से मुस्तबिल की ज़रूरत को पेश नज़र रखा गया है मुख्तु मनसूबों के काबिल अमल होने का जायजा लिया गया है इन सियाती मकाम को इन्ही काबिल रिपोर्टों के मुताबिक तरक्की दी जाएगी लास्ट में आ जाता है जी आपके पास सियाहत के फ्रोक के लिए पाकिस्तानी अवाम की जिम्मेदारियां ट्रैफिक और दीगे कमाने की, की पांदी करें, करें खूबसूरत तस्वीर और वीडियो बनाए और सोशल मीडिया के जरिए दूसरों तक फैलाएं ताकि सियात का रुझान पैदा हो सके मौजूदा सहूलियात को खराब ना करें और गैर अखलाकी हरकत से इज्तना करें और नीचे आपको क्या कहते हैं जी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक से दूसरे मुल्क सफर करने वाले लोगों की तदा, 1997 में 631 मिलियन थी जो 2020 में एक बिलियन से तजाव कर चुकी है तो ये आपका टॉपिक जो टूरिज्म से रिलेटेड था वो आपका आज यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आता है वो आता है जी

बढ़ते हुए और के हालात में मुखलिजाह मजहबी अकायद के मानने वालों के मुबैन पर उमन बकाय बहमी अमन और खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का एक रास्ता है बिला शोबा तमाम असमानी अध्यान ध्यान किसे कहते हैं जी दिन की जमा इंसानी माशरे से दहशत गर्दी शिदत पसंदी और तसुबात के खात्मे का दर्ज दिया है दतादम अलैहिस्सलाम से लेकर खातम मुरसलीन हजर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और इनके बाद खिलाफत रास्ता सहाबा कराम और इकराम ने हमेशा इंसानों को आपस में प्यार मोहब्बत रवादारी कायम करने नफरतों और तेजाम दिया है की बोसत का बुनियादी हद और मकसद ही इंसान की हिम्मत और उसे नेकी की रस्ते पर चलाना है इस्लाम मसीहत यहूदियत हिंदू मत सिख मत बुद्ध मत फारसी वगैरह तमाम अध्ययन और मजाब के बुनियादी असूलों में से एक अहम असूल रवादारी प्यार मोहब्बत इंसानी हमदर्दी का फरोग और तासुबात का खात्मा है तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे दीन का जो है वो सबसे अहम असूल क्या है तो आपने उसका आंसर ये लाइन मेंशन करनी है तमामी ने सचाई तमाम, से वफा, इसार, के दोस्ती, अर्थ, तमाम को जिंदा रखने का दर्ज दिया है और जो मकरों और जहात जैसे और ख्वाहिशा को मिटाने का हुक्म दिया है जब तमाम अध्ययन के दरमियान इस हद तक मुश्तरक बातें पाई जाती हैं तो फिर क्या वजह है कि आज इंसानी माशरे में दहशत गर्दी तासुब तंग नजरी शत पसंदी मेद्या पसंदी जैसी बुरा मुसलत हैं और इंसानी माशरा आज जुमा बरबरीत कत्थल और भारत की भयानक तस्वीर पेश कर रहा है इसका यकीन है किसी दिनों मजहब और महसब से माशरे से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं इस्लाम का नुकता नजरिया ये है कि मजहब और इतदाद का हर मामला हर इंसान के अपने फैसले और इकतदार पर मुबनी है ये पैराग्राफ आप शॉर्ट के लिए मार्क करेंगे जी और क्या कहते हैं इसमें ये हर इस मामले में जोर जबरदस्ती करने की कोई गुंजाइश नहीं है ये दुनिया अल्लाह तारा ने इंसानों के अमल इमल और, और अमल की आजमाइश के लिए बनाई है जिसके लिए इंसानों को की आजादी का हासिल होना लाजमी है मिसाके मदीना जैसी रोशन मसाल हमारे सामने है जब हज़रत तो के के एक अमन मुआदा मिसाक मदीना कायम किया इससे आपसे पूछा जा सकता है मिसाक मदीना के बारे में आप क्या जानते हैं तो ये पैराग्राफ आपको इस चीज का जो है वो आंसर बताएगा और साथ ही ये पूछा जा सकता है आपसे कि इंसान कि अपने हर इंसान का जो है हर फैसला जो ऐति फैसला होता है उसका अख्तियार जो किस पर मुबनी है तो ये पैराग्राफ आपका उसका भी आंसर आएगा हुकूमत इस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा कर रही है कि और तमाम मकताबे फिक्र का आपस में रबता है कि इससे यकीन मिसबत असरार मतब होंगे अब अकलीतों के त्योहार हकूमती सतह पर मनद किए जा रहे हैं इस तरह मोहब्बत और रवदारी का ये बढ़ेगा। अब वक्त आ गया है कि नफरतों को मटाया जाए मुहब्तों को कॉन्फ्रेंसों को और, और वर्कशॉप को, को मनक़द किया जाए लास्ट में से करता है पाकिस्तान के आये में तमाम अदयन और मजाब के पैरोक अपने मजहबी रसूत में आसाद हैं और किसी को हक नहीं है कि वह दूसरे मसल के अकायद नजरिया की नफिक करे जहाँ हमें तमाम मदिना मज़ाहब के दरमियाँ हमांगी पैदा करनी है वहाँ इन शरपसंदनासर निशानदही भी करनी है जो मुल्क व कौम के दुश्मन और बैरूनी झंडे पर काम करें ताकि मुल्क कौम को इनके मजमूम मकासद से महफूज रखा जा सके किसी ग्रोह को दूसरे ग्रोह पर मजहबी मजहबी जबट का हक़ हासिल नहीं है आइए हम ऐहद करें कि हम मैं मज़हब हमी को फ़्रो देते हुए बतनेजीज़ में बसने वाले हर पाकिस्तान हुए पैगाम दें कि वो मेरा है और मैं उसका हूँ आइए अपने अपने रंग नस्ल के खोल से निकलें और एक ही रंग अपनाएँ और वह मोहब्बत और मन का रंग हो इस्लाम का रंग हो और पाकिस्तान का रंग हो तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर और लास्ट में जी जाते हुए सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो कहीं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए थैंक यू